कक्ष 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसी पाठ्यपुस्तक का अध्याय 5 और अध्याय का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो आज हम इसी अध्याय के पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नोत्तरों तथा परीक्षा की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पाठ्यपुस्तक में पहला प्रश्न दिया गया है कि 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से बयान सही हैं। क है, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजयी रही लेकिन कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में वह हार गई। ये बिल्कुल सही बात है, 9 राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना सकी थी। ख है, पूछा गया 1967 के चुनाव के बारे में ही कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव भी हारी और विधानसभा के भी, तो ये बात गलत है कि लोकसभा के चुनाव वो जीत गई थी, 9 राज्यों में हार गई थी, तो ये बात गलत है। और ग है कि कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई, ये बात भी गलत है। कांग्रेस को 1967 के चुनाव में लोकसभा में बहुमत मिल गया था। और घ है, कांग्रेस केंद्र में सत्तासीन रही और उसका बहुमत भी बढ़ा, तो ये बात भी गलत है, बहुमत नहीं बढ़ा था, पहली बार कांग्रेस को काफी सारी कम सीटें मिली थी, तो ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित का मेल करें और उसमें पहले नंबर पर है सिंडिकेट और ख है दल बदल और ग है नारा और घ है गैर कांग्रेसवाद। तो क की अगर हम बात करें तो क पर है चौथा नंबर आएगा, क पर ये वाला कि सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था सिंडिकेट। और ख पर जो है दल बदल, ख जो है वो दल बदल की अगर हम बात करें तो एक नंबर आएगा, कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस पार्टी के टिकट से जीता हो उस पार्टी को छोड़कर अगर दूसरे दल में चला जाए तो वो दल बदल कहलाता है। और ग है नारा, नारे के लिए जो आएगा वो 2 नंबर आएगा, लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक मनभावन मुहावरा होता है नारा। और जो घ है गैर कांग्रेसवाद, जो गैर कांग्रेसवाद के लिए 3 नंबर आएगा, तो 3 नंबर पर है कि कांग्रेस और उसकी नीतियों के खिलाफ अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियों का एकजुट होना जो था वो गैर कांग्रेसवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है अभ्यास में कि निम्नलिखित नारे से किन नेताओं का संबंध है। जय जवान जय किसान बड़ा ही महत्वपूर्ण नारा है, तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ का नारा सिंडिकेट ने दिया था। और ग है गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का जो नारा था वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है। 3 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। ख है इसके पास एक स्पष्ट राजनीतिक तथा विचारधारात्मक कार्यक्रम था। और ग है इसका गठन सभी गैर कांग्रेसी दलों ने एकजुट होकर किया था। तो इसमें से जो कथन सही है वो क है, इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था, जो ख है और जो ग है वो गलत है। प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 6 जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अपने उत्तर की पुष्टि में तर्क दीजिए। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, क है कि कांग्रेस पार्टी में करिश्माई नेता का अभाव, ख है कांग्रेस पार्टी के भीतर टूट, और ग है क्षेत्रीय जातीय और सांप्रदायिक समूहों की लामबंदी को बढ़ाना, घ है गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता, और ग है कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद। तो पूछा गया है कि कौन से चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो इसमें से जो है वो एक घ है,
गैर कांग्रेसी दलों के बीच एकजुटता हो गई थी तब, और एक अंगय है कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के मुख्य कारण थे। प्रश्न नंबर 7 जो है पूछा गया है कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी, या फिर ये दूसरे तरह से प्रश्न आ सकता है कि 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर नोट लिखें। तो इसकी अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि चमत्कारिक व्यक्तित्व, क्रिस्मैटिक जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी चमत्कारिक व्यक्तित्व वाली महिला थी। 1969 में कांग्रेस में विभाजन होने के बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस को जीवित किया और 1971 के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिए क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी उसका नेतृत्व कर रही थी। एक तो इंदिरा गांधी की सरकार, पूछा गया किन कारणों से लोकप्रिय थे, तो पहला कारण तो है चमत्कारिक व्यक्तित्व। दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं समाजवादी नीतियां। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के लोकप्रिय होने का एक कारण उनके द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीतियां थी। 1969 में उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह एक साहसिक निर्णय था जिसने उन्हें जनता में लोकप्रिय बना दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही, हालांकि मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया, जनता ने इसका स्वागत किया। तो समाजवादी जो नीतियां अपनाई उसके कारण भी श्रीमती इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो लोकप्रिय हुई। और तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं गरीबी हटाओ का नारा। 1971 के चुनाव में जहां विरोधी दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा लगाया, वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि रोटी, मकान और नौकरी सभी की मौलिक जरूरतें हैं और ये जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जब गरीबी को हटाया जाएगा। इस नारे का किसानों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और बेरोजगार नवयुवकों पर विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस नारे से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए। चौथे नंबर पर हम कह सकते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण। 1971 के चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में हुआ, अर्थात समाज के सभी वर्गों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट डाले। और पांचवा जो कारण है वो है 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिम्मत के साथ या बहादुरी के साथ उसका मुकाबला किया। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई, उसका एक भाग जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे पहले, उससे अलग होकर एक अलग देश बांग्लादेश बन गया। इस युद्ध में हुई जीत से देश के लोगों को प्रसन्नता हुई और इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता को चार चांद लग गई। प्रश्न नंबर 8 जो है उसमें पूछा गया है कि 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है। 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है, सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। तो 1960 के दशक में कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इंपॉर्टेंट लाइन है, 1960 के दशक में कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का समूह था और इन नेताओं के समूह को ही सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह में के कामराज, एस के पाटिल, नीलम संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा जैसे नेता शामिल थे। इन नेताओं का पार्टी पर पूरा नियंत्रण था और ये अपने आप को किंग मेकर समझते थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः इस समूह को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी सलाह अनुसार काम करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर निर्णय लेते समय सिंडिकेट को दूर रखना शुरू कर दिया। इससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए और कांग्रेस पार्टी दो टुकड़ों में या दो भागों में बट गई। प्रश्न नंबर 9 है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई, कि कांग्रेस पार्टी
के टूट के क्या कारण थे या कांग्रेस पार्टी के दो भागों में बंटने के क्या कारण थे। तो अगर कारण में हम कहें तो पहला है, उत्तर में पूछा गया लिखा गया है कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट, कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह में के कामराज, एस के पाटिल, नीलम संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा जैसे महान नेता शामिल थे। इन नेताओं का पार्टी पर पूरा नियंत्रण था और ये अपने आप को किंग मेकर समझते थे, राजा बनाने वाला समझते थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः इस समूह को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी सलाह अनुसार काम करेगी, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने हर निर्णय लेते समय सिंडिकेट को दूर रखा। यह बात कांग्रेस के विभाजन का कारण बनी। तो पहला जो कारण था कांग्रेस में टूट का, वो था इंदिरा बनाम सिंडिकेट। दूसरा जो था प्रीवी पर्स की समाप्ति। भारत की स्वतंत्रता के समय देश में 565 देशी रियासतें थी। इन रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए सरकार ने इन रियासतों के राजाओं को यह भरोसा दिलाया था कि उन्हें एक निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाएगा तथा साथ ही उन्हें पेंशन भी दी जाएगी। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। शुरू शुरू में किसी ने भी प्रीवी पर्स का विरोध नहीं किया, लेकिन बाद में इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। 1967 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने की बात कही, लेकिन मोरारजी देसाई ने इसे गलत माना। और यह बात भी श्रीमती इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद का कारण बनी। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और चुनाव जीतने के बाद 1971 में संविधान में संशोधन करके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। तो प्रीवी पर्स को समाप्त करना भी, क्योंकि जो सिंडिकेट वाले थे वो प्रीवी पर्स को समाप्त करने के हक में नहीं थे। तीसरा जो कारण है कांग्रेस की टूट का, वो है मुरारजी देसाई से वित्त विभाग वापिस लेना। कांग्रेस के विभाजन का एक कारण प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा मुरारजी देसाई से या मुरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटाना था। इसके कारण भी इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच मतभेद बढ़ गए। और सबसे बड़ा जो कारण था कांग्रेस की टूट का, वो था 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव। 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाने के कारण यह पद खाली हो गया, या राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। सिंडिकेट ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया, लेकिन उस समय नीलम संजीवा रेड्डी से श्रीमती इंदिरा गांधी की अनबन चल रही थी। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को आजाद उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए कहा। इससे दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए। दोनों के बीच मतभेद का मतलब है इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच, क्योंकि सिंडिकेट ने नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को आजाद उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कहा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने सभी एमपी और एमएलए को निर्देश दिया कि वे नीलम संजीवा रेड्डी को वोट दे। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी एमपी और एमएलए को अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा। इस चुनाव में आजाद उम्मीदवार वीवी गिरी की जीत हुई और कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी की हार हुई। नीलम संजीवा रेड्डी की हार से क्रोधित होकर कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके वफादारों को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1969 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में सिंडिकेट वाला समूह उपस्थित नहीं हुआ, अतः कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। एक का नाम बन गया सिंडिकेट के नेतृत्व वाला कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाला कांग्रेस आर
कई बार इनको नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस भी कहते हैं। नई कांग्रेस जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी वाली गुट था। प्रश्न नंबर 10 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार के प्रश्न को कैसे सुलझाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार के प्रश्न को कैसे सुलझाया गया। तो 1963 से पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार चल रही थी, अतः यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि नेहरू के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। बहुत से लोगों को यह शक था कि नेहरू की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो जाएगा, जिसे कांग्रेस सही ढंग से नहीं सुलझा पाएगी। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना। 27 मई 1964 ये एक महत्वपूर्ण तारीख है जिसको आपने याद रखना है। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। जिस समय नेहरू का निधन हुआ उस समय के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने जब अगले प्रधानमंत्री के लिए पार्टी के अन्य नेताओं से सलाह ली तो सभी ने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुझाया। लाल बहादुर शास्त्री नेहरू के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री रह चुके थे और अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। इन्हीं विशेषताओं के कारण लाल बहादुर शास्त्री को देश का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इस प्रकार नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने बड़ी आसानी से उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझा लिया। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश कई समस्याओं से जूझ रहा था। उसमें पहली की अगर हम बात करें तो देश के कई भागों में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई थी, और दूसरी जो है प्रॉब्लम थी कि 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। शास्त्री जी ने इस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। एक और बात, एक महत्वपूर्ण लाइन आती है, जय जवान और जय किसान का नारा। तो जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश के कई भागों में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। इसके अलावा 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। इन दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। 10 जनवरी 1966 ये भी एक महत्वपूर्ण तारीख है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हृदय गति रुक जाने के कारण शास्त्री जी का निधन हो गया। उसके बाद जब शास्त्री जी का निधन हुआ तो दोबारा फिर प्रश्न पैदा होगा कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद एक बार फिर कांग्रेस के सामने उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो गया। अनेक कांग्रेसी नेताओं की राय थी कि युवा नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुकी थी। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सका, क्योंकि कांग्रेस के एक और नेता श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। जब समस्या का कोई समाधान नहीं निकला तो प्रधानमंत्री पद के लिए गुप्त मतदान करवाया गया। इस चुनाव में ज्यादातर सांसदों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए और इस प्रकार 24 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी तो उस समय देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसमें जैसे क्या क्या कमियां थी कि देश के कई भागों में सूखा पड़ने के कारण अनाज की कमी हो गई थी, दूसरा औद्योगिक उत्पादन घट गया था, तीसरा 1965 के भारत पाक युद्ध में पैसे को देश के आर्थिक विकास पर न लगाकर युद्ध पर लगाना पड़ा था, और चौथा है महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। इन सब परिस्थितियों के कारण लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा था और उन्होंने हड़ताल बंद आदि का सहारा लेना शुरू कर दिया था। इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी। विरोधी दलों ने आम आदमी की इस बुरी दशा के लिए सरकार को दोषी ठहराया।
उस समय तक विरोधी दल देश की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे और साथ ही बुद्धिमान भी हो गए थे। विरोधी दलों ने पिछले 3 आम चुनावों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस को कुल वोटों का केवल 45% ही प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीतती रही थी और विरोधी दल हारते रहे थे। विरोधी दलों ने यह निर्णय लिया कि उन्हें एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला करना चाहिए। विरोधी दलों को एकजुट करने की इस रणनीति को समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उनका नारा था कांग्रेस हटाओ। तो गैर कांग्रेसवाद एक नया शब्द आया है, एक नया प्रश्न इससे पैदा होता है कि गैर कांग्रेसवाद एंटी कांग्रेस मूवमेंट क्या था। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए गैर कांग्रेसी दलों का एकजुट होना ही गैर कांग्रेसवाद कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 है, चौथा आम चुनाव 1967 पर नोट लिखो। तो ये याद रखना है कि चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ था। विरोधी दलों के एकजुट होने के माहौल में, क्योंकि विरोधी दल एकजुट होने लगे थे, उनको पता लग गया था कि हम क्यों हार रहे हैं, तो विरोधी दलों के एकजुट होने के माहौल में फरवरी 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चौथे आम चुनाव करवाए गए। इन चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा की 520 सीटों में से 283 सीटें मिली, 283 सीटें मिली। टोटल उसमें लोकसभा की 520 सीटें थी और कांग्रेस को 283 सीटें मिली। हालांकि उसे सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया था, लेकिन उसको मिले कुल वोटों का प्रतिशत घट गया था। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए थे, जैसे के कामराज, एस के पाटिल आदि। इन नेताओं के चुनाव हारने से कांग्रेस की छवि को गहरा धक्का लगा था। चौथे आम चुनाव में राज्य स्तर पर कांग्रेस की स्थिति अगर हम राज्य में देखें, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के भी चुनाव करवाए गए थे, तो चौथे आम चुनाव में राज्य स्तर पर भी कांग्रेस को भारी धक्का लगा था। कांग्रेस 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी और ये 9 राज्य थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। मद्रास, जिसे अब तमिलनाडु कहते हैं, में डीएमके की सरकार का बनना यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है। 1967 के चुनाव में तमिलनाडु, जिसको हम कहते हैं आजकल, वहां डीएमके की सरकार पहली बार बनी थी। मद्रास में एक क्षेत्रीय दल, क्योंकि ये दल वहीं का था, मद्रास में क्षेत्रीय दल डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कषगम ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। बाकी 8 राज्यों में भी विभिन्न राजनीतिक दलों ने आपस में मिलकर गैर कांग्रेसी सरकारें बनाई। राज्यों में कांग्रेस की इस दुर्गति ने लोगों को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि भारत के लोगों को केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस की सरकार देखने की आदत पड़ गई थी। आम आदमी यह सोचता ही नहीं था कि कभी कांग्रेस को भी सत्ता से अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें तो 13 है कि 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो सिंपल सा उत्तर है, राजनीतिक भूकंप पूछा गया है। 1967 के चौथे आम चुनाव को राजनीतिक विश्लेषकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना सकी थी। प्रश्न नंबर 14 है, 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में दल बदल के आरंभ पर नोट लिखो। एक नई घटना परिघटना सामने आई और वो था दल बदल। 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में दल बदल के आरंभ पर नोट लिखो। तो पहले दल बदल का अर्थ जान लेते हैं। दल बदल का अर्थ किसी विधायक, जिसको हम MLA कहते हैं, या संसद सदस्य, जिसको हम MP कहते हैं। दल बदल का अर्थ किसी विधायक या संसद सदस्य द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाना है। 1967 तक दल बदल को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बना था, इसलिए 1967 के चुनाव में जब कई राज्यों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो राजनीतिक दलों ने दूसरे दलों के विधायकों को अपने में मिलाने के लिए
दल बदल करवाना शुरू कर दिया। इससे भारतीय राजनीति में एक नए वाक्य आया राम गया राम का जन्म हुआ। तो प्रश्न 15वां है, इसी से मिलता जुलता कि आया राम गया राम का वाक्य क्या था। तो आया राम गया राम का वाक्य हरियाणा की देन था। यह वाक्य हरियाणा के तत्कालीन विधायक गया लाल की देन था। 1967 में गया लाल हरियाणा में कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस के एक नेता राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने के लालच में अपने साथियों के साथ कांग्रेस को छोड़कर विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन ने राव वीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। पहले तो गयालाल कांग्रेस को छोड़कर गठबंधन में शामिल हो गए, फिर कांग्रेस में लौट आए, लेकिन 9 घंटे के बाद फिर गठबंधन में शामिल हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि जो गया राम था अब आया राम है। इसके बाद से दल बदल के लिए आया राम गया राम के वाक्य का प्रयोग होने लगा। प्रश्न नंबर 16 जो है, पूछा गया है कि 1971 का 5वां आम चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना पर नोट लिखो। तो 1969 में कांग्रेस में विभाजन के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो सिंडिकेट वाले थे वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। दिसंबर 1970 में उन्होंने 15 महीने पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया और नए चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। इन चुनाव में असली मुकाबला श्रीमती इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और सिंडिकेट की कांग्रेस ओ के बीच था। तो एक और जो है महत्वपूर्ण जो हेडिंग है वो है इंदिरा विरोधी दलों का इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट होना, विरोधी दलों का इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट होना। 1971 के लोकसभा चुनाव के समय लगभग सारे विरोधी दल श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट हो गए। इन चुनावों में कांग्रेस ओ ने गैर कांग्रेसी दलों के साथ मिलकर, कांग्रेस ओ का मतलब है सिंडिकेट वाली कांग्रेस, कांग्रेस ओ ने गैर कांग्रेसी दलों के साथ मिलकर एक चुनावी गठबंधन बनाया जिसे ग्रैंड अलायंस या फिर हिंदी में महाजोत कहा जाता है। लेकिन इस गठबंधन के पास मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं था, उनका केवल एक ही नारा था, इंदिरा हटाओ। अब दूसरी तरफ इंदिरा हटाओ के पक्ष में श्रीमती इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा, उन्होंने जैसे विरोधी दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि रोटी मकान और नौकरी सभी की मौलिक जरूरतें हैं और ये जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जब गरीबी को हटाया जाएगा, और गरीबी को केवल तभी हटाया जा सकता है जब क्या किया जाएगा, राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त किया जाएगा, उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, तीसरा संपत्ति की सीमा तय की जाएगी, और चौथा है भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाएगी। इन सब के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान में संशोधन तभी किया जा सकता है जब कांग्रेस को संसद में पूर्ण बहुमत मिलेगा। गरीबी हटाओ के नारे का किसानों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और बेरोजगार नवयुवकों पर विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस नारे से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए। तो 1971 के चुनाव परिणाम जो थे, विरोधी दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा लगाया और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया। 1971 के चुनाव परिणाम 1971 के चुनाव परिणामों ने सभी को हैरान कर दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस आर को इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। इन चुनाव में कांग्रेस आर को लोकसभा की 352 सीटें मिली। ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, इन चुनावों में कांग्रेस आर जो श्रीमती इंदिरा गांधी की थी लोकसभा की में 352 सीटें मिली। दूसरी ओर कांग्रेस ओ को जो सिंडिकेट वाली थी, कांग्रेस ओ को केवल 16 सीटें मिली। इन चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया कि जनता की नजरों में इंदिरा गांधी की पार्टी ही असली कांग्रेस है।
प्रश्न नंबर 17 है, गरीबी हटाओ की राजनीति क्या थी। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि रोटी, मकान और नौकरी सभी की मौलिक जरूरतें हैं और ये जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जब गरीबी को हटाया जाएगा। इस नारे से प्रभावित होकर लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए और कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने इस नारे को व्यवहारिक रूप देने के लिए 1971 में 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम कहते हैं इसको। 1971 में 20 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया, इसके अंतर्गत गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए गए। लेकिन 1971 में भारत पाक युद्ध होने के कारण तथा कीमतें बढ़ जाने के कारण गरीबी हटाओ के लिए जो धनराशि, जो पैसा रखा गया था, उसमें कटौती करनी पड़ी, जिससे गरीबी हटाओ कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा और जिसके कारण गरीबी हटाओ का नारा केवल नारा बनकर रह गया। प्रश्न नंबर 18 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हो। कि कांग्रेस, क्योंकि चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना, तो कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन से आप क्या समझते हो। पुनर्स्थापन का अर्थ फिर से स्थापित करना है, लाइन इंपॉर्टेंट है, पुनर्स्थापन का अर्थ फिर से स्थापित करना है। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को ना केवल जीवित किया बल्कि उसको फिर से स्थापित भी किया। इसलिए कई लेखकों ने इसे कांग्रेस के पुनर्स्थापन, रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस का नाम दिया है। लेकिन अब कांग्रेस एक अलग प्रकार की पार्टी थी जो पुरानी कांग्रेस से निम्नलिखित बातों में भिन्न थी। उसमें पहला है, नई कांग्रेस पूरी तरह से अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। दूसरा है कि कांग्रेस प्रणाली का प्रभाव समाज के पुरानी कांग्रेस का प्रभाव समाज के सभी वर्गों में था, लेकिन नई कांग्रेस सिर्फ पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यकों में भी खासकर मुसलमानों पर निर्भर थी, क्योंकि इन्हीं वर्गों ने कांग्रेस को चुनाव में जितवाया था। और तीसरी जो बात थी, जो कांग्रेस, नई कांग्रेस अलग थी, कि पुरानी कांग्रेस में हर किसी की राय का सम्मान होता था, लेकिन नई कांग्रेस उन लोगों से दूर होती चली गई जो उससे अलग राय रखते थे। तो धन्यवाद, नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार।